हेलो एवरीवन, दिस इज मीरा के शर्मा। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज केदारनाथ का राइड स्टार्ट होने वाला है और सामान सब पैक हो चुका है और हम बस निकलने वाले हैं। बस यहाँ पे ये है कि अभी सामान उस पर लोड करना है बाइक पे, और एक स्कूटी भी है। टोटल 7 लोग हैं हम और 4 गाड़ी है हमारे पास। तो अभी पहला हॉल्ट लेंगे हम ऋषिकेश तक के लिए। तो ये पूरा सीरीज देखना बहुत ही मस्त और खतरनाक होने वाला है। और इस ट्रिप पे जो भी खर्चा होगा मैं एक एक खर्चा बताऊंगा, एक आदमी का बस। हम बहुत सारे हैं लेकिन एक आदमी का बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं केदारनाथ के लिए हूँ। वहाँ पे पहुँच के वो फोटो शूट करना, वीडियो शूट करना और आरती देखना वहाँ का, क्योंकि बहुत दिन से कोशिश कर रहा था मैं वहाँ पे जाने के लिए, और फाइनली इस साल जा रहा हूँ। 2020 में कुछ तो अच्छा हो रहा है अभी। रेडी हो गई, ये अपनी बाइक हो गई। वहाँ पे प्रियांशु, ये अतुल और वहाँ बिट्टू स्कूटी पे है, और मैं मम्मी इस पे जाएंगे। मम्मी पीछे बैठेगी, मैं इधर बैठूँगा। गाड़ी थोड़ा स्टार्ट रहे, इंजन गर्म हो जाए फिर ठीक है। ये फ़ोन रखूँगा यहाँ पे मैप के लिए। तो बस राइड के लिए अब निकल रहे हैं। चले हर हर महादेव। तो राइड हो गई हमारी स्टार्ट, और बस वाजे में बाइक बहुत हैवी हो गया, फील हो रहा है वो चीज़ को। चलो बस यही सब है हमारे साथ, और 10 दिन के लिए हम लोग निकल गए अपने घर से दूर। फुल कर दो। फुल हो गया, टंकी फुल, 1000 रुपये का। चलो तो टैंक फुल हो गया। अभी ऋषिकेश पहुंच गया मैं, और बाइक ये अपनी इधर है, ये देखो, और पीछे सब खड़े हैं। तो ऋषिकेश से 1 किलोमीटर पीछे जंगल का पैच ही गया। तो अभी यहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे क्योंकि पैर अकड़ गया था। और ऋषिकेश नहीं जा रहे, मेन सिटी नहीं जा रहे, पीछे वाला रोड लेके सीधे निकल जाएंगे केदारनाथ के लिए। तो आज का जितना जा सकते हैं हम लोग जाएंगे, कोशिश करेंगे रुद्रप्रयाग तक पहुँच जाए, और वहाँ से फिर टेंट लगा के वहीं पर रुकेंगे रात को, अगले दिन का अगला दिन सोचेंगे। अभी चाय तो नहीं मिल रहा यहाँ पे, ऋषिकेश के आगे देखेंगे चाय, नाश्ता करेंगे कुछ। और बाइक देखो क्या मस्त सेक्सी लग रहा है, पीछे तिरंगा भी लगाया मैंने। पीछे 2 टेंट है और 1 मैट है, और 2 सैडल बैग पीछे में, और आगे यहाँ पे टैंक पे मेरा बैग है। बाइक का जहाँ किलोमीटर शो होता है वो मैं 0 करना भूल गया था, तो मैंने अभी 0 कर दिया। घर से यहाँ पे लगभग 40 किलोमीटर आ गए हम, तो इसके आगे 0 कर दिया, इससे कंटिन्यू उस पर रीडिंग रहेगा और उसमें 40 ऐड कर देंगे। तो बस 5 मिनट में यहाँ से निकलते हैं। 3 स्कूटी है और 1 बाइक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आराम से जा रहे हैं, और शाम तक जहाँ जाएंगे सब जाएंगे। फिर आगे बाइक पे मिलता हूँ मैं। वो वाला जाने के लिए, ये वाला आने के लिए, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है। यही लेन दोनों यूज कर रहे हैं, जाने के लिए भी आने के लिए भी। तो यहाँ से फिर अभी लेफ्ट, मार्केट ही है ऋषिकेश का। यहाँ से नीचे जाएंगे तो फिर घाट पर जाना होता है, और हम ऊपर से ही निकल जाएंगे। ऋषिकेश में कुछ रुकना वगैरह नहीं है क्योंकि हम टाइम से लेट चल रहे हैं, तो ऊपर वाला रास्ता ही लेके चलेंगे। गाय माता थोड़ा साइड देते हैं हमें। चाय पीने आए थे यहाँ पे, और
उन्होंने बोला कि ये वाला रोड बंद है इधर वाला, तो फिर वापस जाना पड़ा यहाँ से ऋषिकेश। 10 किलोमीटर आगे आ गए थे तो 10 किलोमीटर फिर वापस जाना पड़ा उधर से न्यू टेहरी के रास्ते में, फिर जाना पड़ा केदारनाथ के लिए। टाइम हो रहा है अभी 10, तो थोड़ा सा लेट हो गए, और टेहरी से होके जाएंगे तो फिर उसका रास्ता ज़्यादा है, ज़्यादा किलोमीटर है, 50-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो बस अभी यहाँ से निकलते और जितना जल्दी हो सके फिर पहुँचते हैं श्रीनगर, कोशिश करेंगे कि आज तक पहुँच जाएंगे। तो श्रीनगर में आज का टेंट लगाएंगे और वहाँ से आगे बाकी देखते हैं। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, ये रास्ता है अच्छा, अब टेहरी वाला रास्ता कभी गया नहीं मैं, तो उसका रास्ता कैसा होगा पता नहीं है। ये वाला रास्ता तो बस मक्खन जैसा है। यहाँ पे सिर्फ चाय पीने के लिए रुका था, और अभी ऋषिकेश पहुँचेंगे तो फिर कुछ खाएंगे, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे, फिर मिलते हैं। वापस निकल गए ऋषिकेश के तरफ, ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से फिर न्यू टेहरी का रास्ता जो है रूट, उस रूट से जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा है क्योंकि ये रास्ता बहुत बढ़िया था, और न्यू टेहरी का रास्ता कैसा होगा पता नहीं है, तो थोड़ा सा वो लग रहा है। ऋषिकेश में रुकेंगे कुछ खाने के लिए, भूख अब लगने लगी है। ये सब लैंडस्लाइड बारिश के टाइम पे होता है ज़्यादा। रोड है बहुत बड़ा लेकिन आधे पे तो ये गिरा हुआ है ऐसे ही है। बहुत जगह देखो सामने वहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा अच्छे से, वो देखो पूरा रोड है और आधे रोड पे वो ऊपर का पूरा पत्थर गिरा हुआ है और नीचे पे ऐसा। तो ये सब थोड़ा रिस्क वाला जगह है, संभाल के जाना पड़ेगा। ये देखो पत्थर नीचे रोड पे है, बाइक पे लग गई या फिर कुछ भी हुआ तो फिर परेशानी बढ़ जाता है। ये सब देखो पहाड़ी पूरा खिसका हुआ है, ये बहुत दूर आ गए थे पहाड़ पे, 10 किलोमीटर बहुत होता है। इतना प्यारा रोड छोड़ के उस रोड पे जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, दिल पे पत्थर रख के जाना पड़ेगा हमें उस रास्ते पे, क्योंकि इधर वाला रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इधर रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। अब फिर ऋषिकेश में कहीं रुकता हूँ खाने के लिए, फिर वहाँ से न्यू टेहरी वाले रास्ते पे निकलेंगे। यहाँ रुके हैं खाने के लिए ऋषिकेश में, और बाइक वहाँ पार्क किया हुआ उस साइड, तो कुछ है नहीं, मतलब सब बांधा हुआ है तो कोई छेड़ेगा नहीं बाइक को वहाँ पे। और यहाँ पे बस खा के निकल जाएंगे, आधा घंटा लगेगा मेरे ख्याल से। पराठा ऑर्डर किया है हमने यहाँ पे मम्मी के लिए, बिना तेल वाला पराठा, और हम लोग सब पराठा ही खाएंगे, पहाड़ पे यही खाते हैं और क्या खाएंगे, तो बस हाँ मैगी और पराठा खाते हैं। खाना खा लिया ऋषिकेश में, अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो बाइक रेडी है, ऐसे बैठा जाता है डबल स्टैंड पे बाइक है, और मम्मी ऐसे फेट ही मैप लगा दिया यहाँ पे, तो मैप देख के जाएंगे क्योंकि उस वाले रूट पे पहली बार जा रहा हूँ। इधर वाले रोड पे गया था तो अभी वो रोड बन रहा है तो वो दिक्कत हो गया, बाकी सब बढ़िया, चकाचक झक्का। ओह स्कूटी गिर गई भैया जी, अभी उठाएगा कौन इनको, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लोग आ गए शाबाश, सामान है उनके ओ अच्छा वो है चावल है उनके, चावल का बोरा है उनके ऊपर, बहुत सारा सामान था तो वो फिसल गए, पुलिस वाले थे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं था। तो एक चीज़ आपसे हम और कहना चाहते हैं, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। हाँ मेन रोड यही है यार, मेन रोड तो वैसे ये था, ये बंद हो रखा है। हाँ वहाँ से तो वापस आ गए। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओ नया नया रोड बना है, ये तो उससे भी प्यारा है। सही है भाई, अभी यहाँ कोई दिक्कत ना हो, बस नया बना ये।
सीमा समाप्त। केदारनाथ ट्रक्स हमें थोड़ा जगह दे दे आगे जाने के लिए, टर्निंग पे नहीं ओवरटेक करना चाहिए। आगे करेंगे हम ओवरटेक, जरूर करेंगे आपको, बस सीधा रोड मिल जाए तब ओवरटेक कर सकते हैं। मेरे दोस्तों ख्याल रखें आप, कभी भी टर्निंग पे ओवरटेक ना करें और दुर्घटना से बचे रहें। ओवरटेक करना है तो आप स्ट्रेट रोड पे करें, आप जरूर कामयाब होंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ। अपन लोग बहुत सेफ्टी से चलते हैं, ये सब मजाक कर रहा था मैं ऐसे ही। सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। आप लोग जान है तो जहान है, समझ रहे ना, जान है तो जहान है। अपन आराम से देख, अरे ये रहा ना ये जगह है ओवरटेक करने का, देखो आ गए, बहुत ही सिंपल है। अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे, तो स्कूटी में पेट्रोल डलवाना था, बाइक पे तो है ही पेट्रोल बहुत सारा। ये जगह है नरेंद्र नगर और यहाँ से श्रीनगर है 124 किलोमीटर, जो कि 3-3.5 घंटा लगेगा। कोशिश करेंगे कि श्रीनगर तक आज खींच दे, फिर वहाँ पे टेंट लगाएंगे, नहीं तो फिर टेरी पे ही लगाना पड़ेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, वॉशरूम सबको जाना है, तो बस फिर यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में। तो अब निकलते हैं यहाँ से पेट्रोल पंप से, यहाँ से न्यू टेरी 43 और उसके आगे फिर श्रीनगर का है। साइड प्लीज 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 प्लीज, अरे नहीं हट रहे, कोई बात नहीं, अपन रास्ता निकाल लेंगे हर कहीं से। रोड देखो मेरे दोस्तों, रोड ये है चुम्मा रोड। थोड़े देर का होल्ड लिया यहाँ पे, बम सूज गया, सॉरी। बताओ मम्मी एक्सपीरियंस, ठीक सब? ठीक, बढ़िया, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। मम्मी पहले बार इतना बाइक राइड कर रही है, फर्स्ट टाइम। अभी तक आ गए हम लोग, तो अभी है ये 98 किलोमीटर और ऋषिकेश तक 40 था, तो 138 किलोमीटर अभी आ चुके हैं और बाकी का भी और बचा हुआ है, तो सब आ गए। अतुल, बिट्टू और प्रियांशु पीछे, थोड़ी देर रुकेंगे फिर यहाँ से आगे जाएंगे। प्लान में छोटा सा चेंज आ गया है, हम श्रीनगर नहीं रुक रहे हैं, हम रुक रहे हैं टेहरी डैम पे। तो यहाँ से टेहरी डैम है 22 किलोमीटर, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और 22 किलोमीटर यानी 46 मिनट दिखा रहा है इसमें, हम एक घंटा फिर भी मान के चलते हैं। चंबा टेहरी गढ़वाल, तो यहाँ पे हम चंबा टेहरी गढ़वाल, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, और यहाँ से जाना है हमें टेहरी डैम तक। टेहरी डैम यहाँ से 20 किलोमीटर बचा हुआ है, और ये देखो पहाड़ का व्यू लेफ्ट साइड मेरे, बीच बीच में घर छोटे छोटे, और इतने मस्त सुंदर पहाड़ और ये सुंदर रास्ते। तो पहुंच गए हैं टेहरी डैम के पास यहाँ, और अपन को वहाँ से फिर उधर जाना है, थोड़ा दूर है 2 किलोमीटर, यही पूरा टेहरी डैम, मस्त। और ये पहुंच गए टेहरी डैम, अभी हम पहुंच गए टेहरी लेक। टेहरी लेक हमारे पीछे नीचे में है यहाँ पे, और डैम भी है यहाँ पे। कैंपिंग का जगह अभी डिसाइड नहीं हो पाया, पुलिस वाले से पहले पूछ लेंगे यहाँ पे सेफ जगह कहाँ पे है, तो उसके बाद कैंपिंग करेंगे यहाँ पे। और यहाँ का व्यू मैं थोड़ा आगे जाके दिखा, कैंपिंग का सब कुछ मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, और जहाँ पे ये डैम जाता है वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया गया। और डैम का पूरा व्यू देखो यहाँ से, ये डैम, वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियो निकालना अलाउ नहीं है नीचे जाके,
ऊपर ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, ये देखो बेंच वेंच लगे हुए सब, तो ये अच्छा खासा जगह है, फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं यहाँ से। ये जो टेहरी डैम है इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, 260 मीटर इसकी हाइट है। तो हम सब हाईएस्ट वाले कवर कर रहे हैं, जैसे तुंगनाथ जाएंगे तो वो वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, केदारनाथ हो गया, बाकी सब अपन रिकॉर्ड तोड़ेंगे बस। अब व्यू एंजॉय करो यहाँ का। देहरादून से अभी पहुंच गए यहाँ पे टेहरी डैम पे, और इस वीडियो के लिए यहीं तक, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।